वेलकम टू माय चैनल। ये देखिए मेरी बच्ची किस तरह से लाइट के सामने बैठी है गरम गरम। पापा लाइट बंद कर रहे हैं। मेरी बेटी मेरे लिए चावल फ्राई की है और मेरे हस्बैंड इधर से थोड़ा सा पागल वाला काम कर रहे हैं, लाइट बंद ऑफ ऑन। तो इसमें पनीर और क्या क्या बहुत सारा चीज डाल करके दी है मुझे टेस्ट करने के लिए कि आप घर का सेफ है तो टेस्ट करके बताइए। मैं टेस्ट करके बता रही हूँ आप लोगों को, खाएंगे। गुड़ डाला है, गुड़ बहुत टेस्टी हुआ है। अगर आप लोग भी चावल फ्राई कराना हो तो मेरा बेटी से रेसिपी पूछ लीजिएगा, बहुत ज्यादा टेस्टी हुआ है। ऐसा नहीं कि मेरी बेटी बनाई है इसलिए, रियल में टेस्टी हुआ है। रियल में गू का बहुत टेस्ट होता है, मिक्सर होता है। रुक दमा भात तो एक बूंद नहीं है प्लेट में, सब तो एक बूंद नहीं है। जिंदाबाद। जिंदाबाद। नहीं नहीं अभी उठेगा बिछौना पर से चावल बनाने खाने देंगे, खाएगा तब तक मैं फिर बोलेगा मैं कुछ छोड़ दे, ये नहीं मानूंगी बिना खेले में निकलते। देखो पनीर बात दे दे ना, पनीर दे दे। पनीर दे, हम पनीर खा गए, हो गया एक टुकड़ा नहीं है। खाएगी तो मैं बर्बाद कर दी। ये हो खाए लगा पनीर काली, पनीर काली मेरे को लगा नहीं खाएगी। छोटी खाएगी टेस्टी चीज किसको अच्छा नहीं लगता। और ये किसी और दिन के क्लिप है जब मैं मूली का पराठा बनाने वाली थी तो मूली को ग्रेट कर रही थी। बाबू लोग भी तो हो सकता है, दादी ये बंद कर दी और जब हम लोग नहीं तू मत जा। और ये भी दूसरे दिन का ही क्लिप है जब मेरी सासू माँ का ब्लाउज में मैं हुक बटन कर रही थी क्योंकि उनका सारा ब्लाउज खराब हो चुका था, कैसे कैसे पहन रही थी तो उन्हीं का ठीक ठाक कर रही थी। फ्राइडे का क्लिप सबसे सुबह सुबह, ये देखिए चाय के लिए मेरे बच्चे कैसे कर रहे हैं। आज का ये आज ये वीडियो जाएगा तो फ्राइडे का ही वीडियो है और फ्राइडे को ही जाएगा। तो ये देखिए सुबह सुबह चाय के लिए इस तरह कर रही है। चाय चाहिए सुबह। जैसे हम सबको जिनको चाय की आदत है वो जब तक चाय ना पिए उनकी एनर्जी नहीं आती है सुबह सुबह, तो ये मेरे बच्चों को भी वही हाल है। जब सुबह चाय पी लेते हैं, जब मैं पीती हूँ उसी टाइम आकर के चाय के लिए खड़े हो जाते हैं। तो देखिए हमारा चाय चल रहा था और मेरी बच्ची भी, दोनों बच्ची पी रही है इस तरह। देखिए इन लोगों को भी एनर्जी चाहिए तो चाय वाले लोगों का तो यही हालत है, चाय पियेंगे नहीं तो इनका एनर्जी बनेगा नहीं। उसमें से मैं भी एक हूँ जो बिना चाय का एनर्जी नहीं मिलता है। मेरे यहाँ सुबह सुबह आँख खुलते साथ चाय बैठाती हूँ, उसके बाद मैं कहीं कहीं झाड़ू मारती लगाती हूँ। क्या ऊपर आना, ये देखिए अभी पलंग पे आने के लिए बेचैन है कि कैसे पलंग पे आ जाऊँ रजाई में घुसने के लिए। और ये देखिए सुबह सुबह मॉर्निंग का टाइम, काम
शुरू, क्लीनिंग शुरू हो गया मेरा, और जल्दी जल्दी दिखा रही हूँ क्योंकि ये बहुत लंबा वीडियो हो गया था इतना करने में ही। और बेड पे चढ़ के इसलिए करती हूँ कि मेरा डबल बेड है और उस पे बिना चढ़े नहीं हो पाता है, बेड नहीं ठीक कर पाती हूँ, इसलिए मैं चढ़ के कर रही हूँ बेड झाड़ी। और बेडशीट को चेंज नहीं की, बस उसी बेडशीट को पलट करके कर दी क्योंकि दो दिनों से इसी को डाली हूँ, तो सोचा आज पलट दूँ, बच्चे इस पे बैठ करके पढ़ते हैं तो थोड़ा बहुत तो गंदा हो ही जाता है। और कुछ कुछ था जो हम आ करके हाथ पोछे थे गमछी उमछी में, उसी को तार पे डाल रही थी। रूम में अभी भी तार रखी हूँ क्योंकि बीच में जो मौसम उड़ीसा में ख़राब होने वाला था तो तार बंद चुका था फिर से वापस से, तो फिर खोल दूँगी जब मौसम अच्छा होने लगा है तो खोल दूँगी इसको। और ये देखिए झाड़ू मारने की तैयारी स्टार्ट हो गई है, सब झाड़ वाड़ करके रेडी कर रही हूँ कि झाड़ू दूँगी, क्योंकि बेड झाड़ने के बाद ही झाड़ू लगाती हूँ क्योंकि जो भी धूल वगैरह है वो नीचे गिर जाएगा और अच्छी तरह से झाड़ू दे दूँ। ये देखिए स्टार्ट हो गई क्लीनिंग मेरी, सुबह की क्लीनिंग, और सब जगह झाड़ू लगाने के बाद पोछा भी स्टार्ट हो गया। ये डाइनिंग स्पेस है मेरा, तो डाइनिंग स्पेस का बहुत कम ले पाती हूँ, रूम में ज़्यादा लेती हूँ या फिर सासू माँ का, ये डाइनिंग स्पेस का है। और जैसा कि आप लोगों ने देख रहे हैं कि मैं हाथों से लगा रही हूँ, हाथों से ही पोछा लगाती हूँ, कपड़ा जो रद्दी रहता है उनसे, कॉटन से या फिर गंजी वाला कपड़ा भी बहुत अच्छी तरह से साफ़ हो जाता है। और ये दोपहर का क्लिप है, दोपहर में आज देखिए क्या बना रही हूँ। और मेरी बेटी जब लेती, ये देखिए ये गांव से लाई हूँ, मेरी भाभी दी है और भाभी को थैंक यू बोल रही हूँ अगर मेरा वीडियो देख रही हैं तो, कि वो दी थी और मेरे बच्चों को बहुत पसंद है। हर दिन एक थाली छानती हूँ और सब खाते हैं। ये देखिए ये गाँव से बना हुआ है और गाँव की चीज़ों में तो बात ही कुछ और है, गाँव में जो टेस्ट है वो शहर में कभी नहीं मिल सकता है। तो ये कलरफुल बनाया जाता है चावल से, तो ये सांचे से बना है और बहुत सुंदर हुआ था और बहुत खस्ता है, बहुत खस्ता। काश आप लोगों को टेस्ट करा पाती, बहुत टेस्टी। देखिए आप लोगों से बात कर रही हूँ और मुँह में पानी आ रहा है। तो आज का मेन्यू में है मेरा दाल चावल और ये चिप्स ने चरौरी करके हम लोग बिहार में बोलते हैं, तो ये है देखिए कलरफुल था, नहीं ये है पकौड़ी। तो आज का है चरौरी, चिप्स और ये पकौड़ी आज का मेन्यू है मेरा, ये देखिए। और एक डब्बे में करके रख दूंगी, जब जिसको खाना होगा खाएगा। ये बंद हो गया अच्छी तरह से, अब एक घंटे बाद आधे घंटे बाद जिसको खाना है। और ये देखिए खाना लग चुका है, खाना रेडी है मेरा, थाली सज चुका है। आइए फ्रेंड्स आप लोग भी खा लीजिए, आज का मेन्यू यही है। सब्जी उब्जी कुछ नहीं बनाई हूँ, आ जाइए आप लोग भी टेस्ट कर लीजिएगा मेरा खाना, आ जाइए बुला रही हूँ। और ये बाहर में खाना वाना देने के बाद मैं बाहर, मैं और सासू माँ खड़ा होकर के मैं बात कर रही थी उनसे, हर आने जाने वाले के लिए पूछती हैं वो कौन है। तो आज का वीडियो मेरा कैसा लगा है ज़रूर बताइएगा, और आज का खाना का किस तरह लगा आप लोगों को ज़रूर बताइएगा। कभी कभी होता है ना आदमी को चेंज अच्छा लगता है, हर दिन सब्जी सब्जी सब्जी, वैसे भी सब्जी बहुत महंगा है तो इस तरह करके अपना खा सकते हैं आप लोग तो। और चलती हूँ, अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, जो लोग नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बिल्कुल भूलिएगा नहीं, और बिल्कुल फ्री है, बिल्कुल टेंशन की बात नहीं है उसमें। तो चलती हूँ, बाय बाय।